Hello children, welcome back. Today we'll be learning lesson 3 from English Beehive. और English Beehive lesson 3 का नाम है The Little Girl. और ये सीखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन से पहले कुछ जानकारी यहाँ पे मिल रहा है. यहाँ पे इस प्रकार पूछा गया है बच्चों से कि जब आप छोटे थे, अभी जो स्थिति है आपका, उससे जब आप छोटे थे तब क्या आप अपनी पेरेंट्स को बेहतर जानते थे? तो हो सकता है कि अब आप पेरेंट्स को जानते हैं वो पहले से बेहतर है. समय के साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होते चला गया है. तो ये लेसन भी इसी प्रकार से एक छोटी सी लड़की के विषय में है. और उन परिवार में वो छोटी सी लड़की जिसका नाम यहाँ पे हम लेसन में देखते हैं काजिया बोल के, यहाँ पे आप विस्तार से देखेंगे. यहाँ पे उनके परिवार में जो है वो छोटी सी लड़की थी, उनकी मम्मी पापा थे और उनकी दादी थी. साथ में उनके खान पान पकाने के लिए जो एक कुक थी उनके नाम भी अलाइस था. और इसी प्रकार से समय के साथ साथ वो भी अपनी जो बचपन से जो उन्होंने फील कर रहा था अपने पापा के प्रति जो डर एक था वो उनके समय के साथ साथ वो बदल गया. उसी के विषय में आज यहाँ पे देखेंगे. तो हम चलते हैं इस लेसन की ओर. और यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूँ कि इस लेसन में जो भी कंटेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से दिया गया है. और हर एक पॉइंट्स जो है जो नंबरिंग है वो एक से लेके 12 तक है. और एक से लेके 12 तक कुछ पैराग्राफ्स भी साथ साथ में हैं. कहीं हर एक नंबरिंग में कहीं दो पैराग्राफ्स हैं और कहीं एक है, कहीं उससे अधिक भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैराग्राफ्स के दाईं ओर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से दिखा देता हूँ, कुछ ब्लू कलर्ड में कुछ वर्ड्स हैं. सो ये वर्ड जो है इसी पैराग्राफ से लिए गए हैं जो कि हो सकता है एक रीडर को कठिन हो, तो उसी वर्ड्स के मीनिंग भी साथ में दिया गया है. तो इसके भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप इस लेसन को बेहतर रीति से समझ सकते हैं. तो हम इसे शुरू करें. तो इसी प्रकार है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. सो इसी प्रकार है, वो जो छोटी लड़की थी उनके पापा हर एक सुबह वो अपने ड्यूटी की ओर जाने से पहले वो उनके कमरे में आके उस छोटी लड़की को एक किस, कैजुअल किस, यानी कि साधारण रूप से जैसे वो बच्चों को दुलार करते हैं उसी प्रकार से दुलार करते हुए वो चले जाते थे. और जाने से पहले ये जो छोटी लड़की बताया करती थी कि गुड बाय फादर, और उनको उनके पापा जो है वो कैरेज में होते हुए वो चले जाते थे. जैसे पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि किसी एक बिना इंजन का किसी पशु के बल पे चलने वाला एक गाड़ी जिसको हम कैरेज बोल सकते हैं, जैसे कि घोड़ा से हो या फिर किसी और जानवर से हो. तो वो कैरेज से जैसे वो चले जाते थे तो इनको उस कैरेज के आवाज़ जैसे दूर होते चले जाता था. तो उसी प्रकार से इस लड़की को बड़ा राहत सी महसूस करती थी वो, क्योंकि वो अपने पापा से घबराती थी, उनके उपस्थिति के वो एक डर महसूस करती थी. तो उसके नीचे हम देखते हैं, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम हैज सीन द पेपर कम आउट मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर And bring me my slippers. तो इसी प्रकार से जैसे पापा, ये छोटी लड़की के पापा ड्यूटी से वापस आते थे शाम को, तो उसी समय पे ये सीढ़ियों के सामने खड़े होते हुए उनकी जो लाउड वॉइस है, जो ऊंची आवाज़ उनके पापा का जो है वो सुनती थी. और आवाज़ इस प्रकार आता था कि मेरे चाय वापस जल्दी ड्राइंग रूम में लेके आ जाओ, और क्या आज के पेपर अभी तक आए नहीं हैं. और मम्मी को वो बुला के बताया करते थे, यानी कि पापा की खुद की मम्मी जो ये छोटी लड़की की दादी है उनको बुला के बोलते थे, मदर
जाके आप देखिए पेपर वहाँ पे कहीं तो नहीं है, और मेरे जो चप्पल है स्लीपर से वो जल्दी यहाँ पे लेके आ जाओ। सो यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम देखते हैं केजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। सो यहाँ पे मम्मी बता रही है केजिया, केजिया की मम्मी बुला रही है और बता रही है अगर आप अच्छी लड़की हो तो जाके पापा के जो बूट्स हैं उसको आप उतार दो, यानी कि पापा जो जूते पहने हैं उसको आप उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और ये छोटी सी लड़की डर के मारे धीरे से वो सीढ़ी से उतरती है और वो ड्राइंग रूम की ओर चली जाती है और बिल्कुल नाजुक हाथ से वो धीरे से उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उसी समय पे दरवाजा जैसे वो खोलती है उनके पापा उनकी ओर देखते हैं छोटी लड़की की ओर, और वो जो देख है वो इस लड़की को बहुत ही डरावना महसूस होता है। So well, Kezia, hurry up and pull off these boots. और उनके पापा बोलते हैं जल्दी से आ जाओ और इस जूते को उतार दो। सो और इसे बाहर जाके भी रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और पापा उनको ये सवाल भी पूछते हैं क्या आज आप अच्छी लड़की बन गई। सो आई डिड डोंट नो फादर। तो वो हकलाते हुए छोटी लड़की जवाब देती है, यानी कि वो बोलने में भी असमर्थ दिखाई देता है छोटी लड़की का, क्योंकि उनके अंदर में इस पापा के प्रति एक डर हुआ होता है। सो इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे नीचे हम देखेंगे यू डिड इट डोंट नो इफ़ यू सेट हर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उनके पापा बोलते हैं क्या आप नहीं जानते, अगर इस तरह से आप बताओगे तो आपको मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सी नेवर सेटर्ड विथ अदर पीपल। और कभी भी वो इसी प्रकार से हकलाती नहीं थी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और सिर्फ पापा के सपने सामने वो डरती थी क्योंकि वो बहुत ज़ोर से ये कोशिश करती थी कि जो वो कुछ बोल रही है वो बिल्कुल अच्छा से वो बोल सके। सो व्हाट्स द मैटर व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। सो वहाँ पे उनको फिर से छोटी लड़की को पूछा जाता है क्या बात है आप इतनी मतलब नाखुश क्यों लग रही हो। सो मदर आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड हियर केजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल carefully। वो मम्मी को बोलती हैं बोलते हैं वो जो पापा हैं मम्मी से इस प्रकार बोलते हैं कि आपने उन्हें ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड वाली बात तो नहीं सिखाई, यानी कि आदमी अबाउट टू कमिट सुइसाइड सुइसाइड करने की स्थिति में होते उसी प्रकार के बातें तो क्या आपने इन्हें नहीं सिखाया। इसी प्रकार से बात होता है। सो केजिया और मेरे जो टी कप है उसको लेके टेबल में बड़े ध्यान से उसे रख दो, पापा उनको बताते हैं। सो ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट हिज जेन। तो उनके यहाँ पापा के जो हाथ थे और वो बहुत बड़े थे, उनके गर्दन यानी कि पापा को देखने में बहुत ही बड़ा दिखाई देता था और उनके बारे में सोचना मतलब कोई राक्षस के बारे में सोचने के बराबर लगता था ये छोटी लड़की को। यहाँ पे हम देखेंगे ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मादर। तो एक रविवार के दिन जो है दोपहर को जो ग्रैंड मादर है दादी जी जो हैं वो काजिया को अपने मम्मी पापा से अच्छा से बात करने के लिए भेजती हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन ये छोटी सी लड़की हमेशा उनको ये मिलता था कि पापा तो हमेशा सोफा में लेटे हुए उनको दिखाई देते हैं और मम्मी जो है हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। सो
हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, पापा जब लेटते थे तो उनकी जो हैंडकरचीफ है उनके फेस में डाल के रहते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, तो वहाँ पे बढ़िया से एक क्वेश्चन लगा के सोफा में वो इसी तरह से अपने हाथ पैर को फैलाते हुए और बढ़िया से वहाँ पे स्नोरिंग करते हुए, यानी कि सोने के समय पे जो हम आवाज़ करके सोते हैं वो करते हुए वो वहाँ पे लेटते थे। इस प्रकार से आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, छोटी सी लड़की यहाँ पे सीढ़ी के नीचे से वो उतर के मम्मी पापा को देख रही है और पापा जो है वो लेटे हुए हैं, मम्मी पढ़ रही है। इसी दृश्य को यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको देख के बेहतर समझ सकते हैं। इसके नीचे हम देखेंगे, सी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड टाइम देन लुक्ड एट हर। और वहाँ पे वो छोटी लड़की इंतज़ार में थी, इंतजार में रहते हैं कि कहीं पापा कब जागेंगे, कब उनसे बात हो पाएगा। तो पापा जैसे वहाँ पे जागते हैं तो पापा जागने के बाद वो इनकी ओर देखते हैं, डोंट स्टेयर सो, और पापा बताते हैं कि ऐसे मत देखो केजिया, और आप तो ऐसी प्रकार से एक ब्राउन ऑल की जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ब्राउन उल्लू के जैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसे नहीं देखो, पापा छोटी लड़की को बताते हैं। तो वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद कोल्ड, तो जब उनको घर के अंदर ठंड के लिए, ठंड के मारे उनको कुछ जुखाम सर्दी वगैरह हुआ होगा छोटी सी लड़की को, जिसके लिए उनके वो कमरे में रखा गया था, और उनकी जो ग्रैंड मदर हैं और फादर्स बर्थडे के बारे में बताती हैं कि आपके पापा को जो बर्थडे है वो आने वाला है और आपको पापा को एक अच्छा सा गिफ्ट देने की ज़रूरत है, और गिफ्ट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यू शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो येलो सिल्क के जरिए आप क्या बनाना है, एक पिन कुशन बनाना है और पापा को बर्थडे गिफ्ट देना है। सो लेवरेसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, सो उन्होंने कुछ डबल कॉटन लिया और कॉटन को इसी प्रकार से काटा ताकि वो चौथा साइड जो है वो खुली रहे और तीन साइड बंद हो, तो तीन साइड जो है वो बड़े मेहनत से उसको उन्होंने सिल दिया। लेकिन उन्होंने ये बात देखा कि उनको इसे अंदर में क्या डालना चाहिए, जैसे हम सोफ़ा वगैरह में क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर में कुछ फॉर्म वगैरह डाला हुआ होता है, तो इनको ये छोटी सी लड़की को पता नहीं है, तो उनको ये पता लगाना था कि उसमें डाला क्या जाए, वो ढूंढ रहे थे कि क्या डालना चाहिए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंडमदर गार्डन एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। उसी समय पे ग्रैंड मदर जब वो गार्डन में थी और ये कुछ ना कुछ सामान ढूंढते हुए मम्मी के कमरे में जा पहुंची। सो ऑन द बेड टेबल सीड क्वाइट मेनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड सेफ्ट हर केस देन शूड आप द फोर्थ साइड। सो वहाँ पे उन्होंने देखा मम्मी के जो कमरे थे और कमरे में जो बिस्तर के सामने टेबल हुआ करते हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ फाइन पेपर्स, कुछ बढ़िया पेपर्स उन्होंने देखा, उन्होंने उस पेपर को उठा लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, और उनकी जो क्वेश्चन बनाने का जो उन्होंने सिल के रखा था चौथे साइड से, उन्होंने सारे तोड़े हुए छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़ों को वहाँ पे उन्होंने डाल के उन्होंने उस चौथी साइड को भी सिल दिया, यानी कि उन्होंने पिन क्वेश्चन को तैयार कर लिया। सो दैट नाइट वॉज देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, यानी कि वो जो पेपर है पापा ने वहाँ पे स्पीच लिख के रखा था जो उनको पोर्ट अथॉरिटी में सबमिट करना था, यानी कि वहाँ पे बहुत ध्यान से पापा ने कुछ नोट करके रखा था और ये छोटी लड़की को वो पता नहीं था, तो वो उनको उठा और पापा जब ढूंढने आए तो उनको मिला नहीं, तो घर में हाहाकार मच गया। सो रूम्स वेयर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजस रूम, और यहाँ पे सबको पूछा गया, उनके सर्वेंट को भी वहाँ पे पूछा गया और पूरे कमरे में छानबीन किया गया, और लास्ट में जाके मम्मी जो है वो केजिया के रूम में आती है और केजिया से पूछती है, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, मुझे लगता है तो वहाँ पे तो देखी नहीं थी कुछ पेपर्स। सो वो यस सी सैड, आई टोल्ड देम मैम,
फॉर माई सरप्राइज. सो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तो दिखाई दिया था, मैंने वो सारे पेपर्स उठा के मैंने अपने काम के लिए उसको फाड़ लिए. सो वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी तुम यहाँ से उतरो और डाइनिंग रूम में अभी के अभी तुरंत पहुँच जाओ. एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वहाँ पे पापा जो आगे पीछे फेर रहे थे उनके सामने उनको ले गया. सो हैंड्स बिहाइंड हिज नेक, वेल ही सेड सर्वली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. मदर एक्सप्लेन्ड, उनके पापा को मम्मी जो है वो पूरी बात बताती हैं और वहाँ पे पापा जो है थम जाते हैं और वहाँ पे बात को सुनते हैं और उन और केजे से पूछते हैं डिड यू डू दैट, नो सी व्हिस्पर्ड, और वो अंदर से डरी हुई ये छोटी सी लड़की इस प्रकार से जवाब देती हैं नहीं पापा, इस प्रकार से वो बताती हैं. सो मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, जाओ और उनके जो कूड़े हैं वो सारे उठा के लाओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड डजंट स्टैंड, कहें वो बिस्तर में तो अभी के अभी रखी नहीं है, वहाँ पे जाके आप जल्दी से अब देखिए. इसी प्रकार से पापा जो है अपनी मम्मी से बताती हैं. सो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. सो बहुत कोशिश वो करने लगे कि किसी प्रकार से बताया जाए लेकिन कोई सुनने वाला वहाँ पे नहीं होता. देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, और पापा वहाँ पे एक रूलर जो हम स्केल बोला करते हैं उसी को लेके वो एक रूलर लेके आती हैं और उनके जो छोटे से हाथों में वो लगा देते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, ओ नो नो शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, जो बिस्तर के कपड़े होते हैं वहाँ पे वो छिपने लगती हैं और नहीं नहीं बोला करती हैं. ही पुल देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, बैठो चुपचाप और अपने हाथ को आगे बढ़ाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, आपको एक बार सिखाना ही पड़ेगा कि आप उस सामान को नहीं छुएंगे जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो लड़की बताती है छोटी सी लड़की लिटिल गर्ल इस प्रकार बता, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उनकी जो पिंक पाम्स है छोटे छोटे बच्चे के नाजुक जो हाथ होते हैं उनके हाथ भी पिंक कलर जैसे होते हैं, हल्का सा लाल जैसे वो होते हैं. वहाँ पे वो रोलर जो है पापा के हाथ से जो वहाँ पे लगता है यानी कि उनकी पिटाई हो जाता है. However, later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. लेकिन थोड़ी देर बाद grandmother वहाँ पे आती है और उस बच्चों को लपेट के वो लेके चले जाते हैं और बच्चे जो हैं उनके सर से लिपट जाती हैं. So what did God make fathers for? She sobbed. और वहाँ पे थोड़ा सा रोने के जैसे मन बनाते हुए बच्ची पूछती है ग्रैंडमदर से कि ये पापा लोग को क्यों गॉड ने बनाया है, क्यों परमेश्वर ने पापा लोग को बनाया है. हियर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू मी, मैंने बहुत कोशिश किया पापा को ये बताने के लिए लेकिन वो तो मेरे बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे और बहुत ही अपसेट थे रात को. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, और वो बच्ची कभी ये बात भूली नहीं. नेक्स्ट टाइम सी शो हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स, और अगली बार जब वो अपने पापा को देखती हैं उनकी जो हाथ है वो पीछे तरफ होते हुए उनकी गाल पे एक लाल सी रंग आ जाता है यानी कि फिर भी उनको डर जो है अंदर सताया हुआ रहता है. द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और वहाँ पे एक खुशी की बात ये उनको दिखाई देता है कि मैकडॉनल्ड जो है एक व्यक्ति है वो उनके पड़ोसी हुआ करते, वो अपने घर के बगल में ही रहते हैं. दे हैड फाइव चिल्ड्रन, और उनके पाँच बच्चे होते हैं. लुकिंग थॉट ए गैप थ्रू ए गैप इन द फेंस ऑफ द लिटिल गर्ल्स सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी मा ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पॉकेट्स रन अराउंड राउंड
the flower bed, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. So ये सारी बातें जो हैं उनको वहाँ से घर से दिखाई देता है मैकडोनल्ड के फैमिली लोग. मैकडोनल्ड के फैमिली के जितने मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग वहाँ पे इस प्रकार से, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से वो लोग खेल कूद रहते थे. तो यहाँ पे 4-5 बच्चे थे. सबसे छोटी जो बच्ची है उनको वो अपने इस प्रकार से अपने कद पर लेते हुए और बाकी 4 बच्चों के साथ वो खेलते रहे हुए रहते हैं. और लिटिल गर्ल जो है इसी प्रकार से अपने घर से बाउंड्री की ओर, दूसरी घर की ओर वो इस प्रकार से उस खेल को देख पाती हैं. तो उसके बाद देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. तब उनको पता चलता है अरे अभी तो पापा तो अलग भी होते हैं, एक जैसे नहीं होते. तो सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी जो है वो बीमार पड़ गई और दादी मैं के साथ वो हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइज द कुक. और वहाँ पर लिटिल गर्ल जो है अपनी कुक एलाइज के साथ वह रह जाते हैं. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. तो सब कुछ दिन में अच्छा चलते रहता है, सब दिन में सब कुछ सही रहता. अभी उसके बाद While Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब वो जो Alice जो कुक है उनको बिस्तर में सुलाने के लिए ले जाती है तो उनको बहुत सा एक डर लग जाता है. एक छोटी सी लड़की को डर महसूस होता है और वहाँ पर ये चीख उठती है कि What will I do if I have nightmare? अगर मुझे भयानक सपने आए तो मैं क्या करूँगा. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. और जब भी मुझे भयानक सपना दिखाई देता है तो grandma जो है, जो Granny है, वो अपने साथ मुझे ले जाती हैं. So I can't stay in the dark. It all gets whispery. ये अंधेरे में मैं नहीं रह सकती. ये बहुत ही भयानक लगता है मुझे. You must go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. और आप यहाँ पे चिल्लाना नहीं, आप आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होगा. और आप चिल्ला नहीं, अपने जो पापा हैं उसे आप डिस्टर्ब नहीं करना. But the same ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वही भयानक सपना फिर से उनको दिखाई दिया. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रॉब वो केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वॉक्स शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स द मैटर हिज हैंड. और उनको इस प्रकार से भयानक सपना उसी दिन भी दिखाई दिया कि एक बुच्चर जो कसाई है उनके हाथ में एक नाइफ होता है और कुछ रस्सियां होते हैं और वो उनके पास वो आने लगती है. इस प्रकार से उनको बहुत ही डर लगता है और चीख उठती है. छोटी लड़की जो है वो चीख देती है और वहाँ पे ग्रैंडमा बोल के चीखती हैं. और उस दिन इस प्रकार होता है कि ग्रैंडमा उनकी जो छोटी लड़की की मम्मी को लेके हॉस्पिटल में बीमारी के लिए वो लोग गए हुए होते हैं. सो इसी चीख को सुनते हुए पापा वहाँ पे आते हैं और उनको पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात है, क्यों चीख रही हूँ. सो ओ बुचर एंड नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. वो कसाई और वो नाइफ उनके साथ हैं. मुझे ग्रैंडनी चाहिए, मुझे ग्रैंडमा चाहिए, मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. और वो जो कैंडल है अंधेरे में वो कैंडल जला के आए हुए होते हैं उन छोटी लड़की के पापा. तो उस कैंडल को बुझा देते हैं और इन लड़के ये छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से और बिल्कुल अपने पास लपेट लेते हैं. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम एंड न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. ही पुट अवे द पेपर एंड केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. ही ले डाउन द बिसाइड हर हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर. इट सीम्ड शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और इसी प्रकार से वो बिस्तर में उनको ले जाते हैं और धीरे से उनको बड़े प्यार से रखते हैं क्योंकि वह पापा हैं. और उसे वहाँ पे हम देखते हैं ये छोटी सी लड़की जो है हल्का सा मुस्कुराते हुए पापा की ओर करीब जाते हुए वो भी लपेट जाती हैं. उनकी वो जो शर्ट है उसको टाइट से पकड़ के वो लपेट जाती हैं.
एंड गेट देम वर्म, सेड फादर। और पापा इस प्रकार से बोलते हैं कि आपकी जो पैर हैं वो मेरे पैर से आप टकराओ, आप इस प्रकार से हिलाओ ताकि आपको गर्मी महसूस होगा। सो टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। लेकिन पापा बहुत थक चुके थे और थकावट के कारण वो छोटी सी लड़की के सामने वो सो गए। सो ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत सा महसूस उनको हुआ, एक छोटी सी लड़की को। Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वो इस प्रकार से वो फील करती हैं, मेरी गरीब पापा कितनी इतनी ज़्यादा बड़े अमीर तो हैं नहीं, लेकिन आपको देखने के लिए भी कोई नहीं है। आप पापा जो हैं वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन वो सख्त भी एक अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और वो बहुत मेहनत करते थे ताकि वो पड़ोसी वाला रेज जो मैकडोनल्ड है उनके जैसे बन सके। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। और इन्होंने जो है उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को उन्होंने फाड़ दिया, जो पेपर उन्होंने फाड़ा था। सो सी स्टार्ट सडनली एंड साइड। ऐसे उन्होंने झांक के देखा और फिर से उन्होंने आँख को बंद कर दिया। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर। और ए शर्म के मारे उन्होंने फिर से आँख बंद कर दिया। तो पापा उनको पूछते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या आपको दूसरा सपने दिखाई दिया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माय हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। मेरे जो सिर है वो आपके छाती पर है, आपके हार्ट पर है, और मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो बताते हैं कितने बड़े दिल हैं आपके हैं मेरे प्यारे पापा। इसी प्रकार से छोटी सी लड़की बताते हैं। तो ये रहा कहानी जिसको कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे लोग हमारे मन में पापा मम्मी के प्रति, परिवार के प्रति, सदस्यों के प्रति जो भी भावनाएं रहते हैं, जो भी फीलिंग्स रहते हैं, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है। और कभी कभी उनकी चिल्लाहट, उनका बोलना और उनको इस प्रकार से कभी हमारे लिए एक दुर्व्यवहार महसूस होना, वो एक परिस्थिति के वजह से होता है। जैसे यहाँ पर छोटी सी लड़की के पापा सख्त थे, कभी चिल्लाते थे, ऊंची आवाज़ में बोलते थे, लेकिन वो सारी चीज़ जो है वो फैमिली को लेके नहीं है, वो अपने कामकाज को लेके वो परेशान रहते थे, थक जाते थे, और इसी प्रकार से उनके मुंह से इस प्रकार के सब हुआ करते थे। लेकिन इसी छोटी सी लड़की के लिए कभी भी उनके मन में बुरा सोच नहीं था, वो बहुत ही प्यार करते थे। आखिर में ये छोटी सी लड़की को यहाँ पे पता चलता है, दिखाई देता है, जिस प्रकार से हमने इन्हें देखा है। तो ये कहानी और इस लेसन से हम इस प्रकार से देख सकते हैं। थैंक यू।